सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टीवी व्लॉग्स। तो यार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लॉकडाउन में तुमने कितना फैट गेन किया या कितना फैट पुट ऑन किया, और तुम बोलो ना भाई मैंने तो फैट, मेरे को तो फैट आया ही। मैं हर बंदे ने फैट गेन किया है, और मैं तो ज़्यादा ही किया है। मेरे को पता नहीं क्यों फैट जल्दी आ जाता है, पर मैंने बीच में मैं थोड़ा शेप में आ गया था, मैं वर्कआउट करने लग गया था, फिर उसके इतना नहीं किया हुआ, मैंने फिर से छोड़ दिया, और अब मैं फिर से स्टार्ट कराया। आज अभी मंडे है 7 सितंबर, तो मैंने सोचा कि आज से हर बंदे की तरह मंडे से करूँगा, तो आज से मैं भी वर्कआउट करने आया हूँ। वैसे मैं 5:40 पे अलार्म लगाया था, पर पता नहीं अलार्म बजा ही नहीं, और अभी 7:10 हो गए हैं और धूप भी हो गई है। मेरे को तुमको दिख रहा होगा शाइनिंग सी आ रही होगी मेरे फेस पे, तो 7 बज गए हैं पर, और अभी नींद भी आ रही थी मेरे को, पर फिर भी मैंने सोचा नहीं यार एक डे मिस नहीं करना, तो इसीलिए मैं अभी वर्कआउट करने आया हूँ, तो वर्कआउट करते हैं। सो यार, वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया है। ऑल्सो मैं वर्कआउट की वीडियो नहीं बना पाया, बिकॉज मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया था, तो मैं किसी चीज़ पे अगर सपोर्ट लेके बनाता तो चांस था कि कहीं फ़ोन गिर गुड़ ना जाए। एक बार हुआ था ऐसे, मैं यहीं पर ही शूट कर रहा था और फ़ोन गिर गया था ट्राइपॉड से, तो उसकी स्क्रीन टूट गई थी सामने से, तो उसको ठीक कराना पड़ा। तो यार एक ही फ़ोन है बेचारा, इसकी भी ख़राब हो जाएगा तो फिर किससे बनाएंगे ब्लॉग, तो इसलिए मैंने वर्कआउट की वीडियो नहीं बनाई। बाकी अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, ब्लॉग भी तो बड़ा करना है ना थोड़ा, 4-5 मिनट का। सो बाय। तो इस वीडियो का टाइटल है आई नीड योर हेल्प। तो यार मेरे को तुमसे पूछना था कि जब मैंने ये चैनल बनाया था ना, तो उस समय मैंने अपना, सबसे ऑब्वियस बात है मैं अपना सर्च करूँगा अपने नाम की, मेरे नाम के कितने चैनल बने हैं, तो मैंने देखा था दिव्यांशु राय, पहले मैंने करके देखा, मेरा रियल नेम दिव्यांशु है अगर आपको नहीं पता, तो दिव्यांशु राय के बहुत चैनल बने हुए थे, कम से कम 15-16, और सब में एक दो वीडियो अपलोड हुई हुई थी, और 30-40 सब्सक्राइबर, किसी के 8-10 सब्सक्राइबर, इतने कुछ थे। तो मैंने फिर सोचा कि डीवी ब्लॉग करके बनाता हूँ, क्योंकि डीवी ब्लॉग से कोई चैनल नहीं था, तो अब मैं डीवी ब्लॉग करके चैनल बना लिया। तो अब मैंने इस चैनल में 8-9 वीडियो अपलोड कर दिया है, और सब्सक्राइबर भी ठीक है, 130 तक कुछ हो गए हैं, थोड़ी और बढ़ेंगे जब अगर मैं अच्छी वीडियो डालूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल का नाम चेंज करके डीवी ब्लॉग से दिव्यांशु राय या दिव्यांशु ब्लॉग कुछ रख लूँ। तो मेरे को यही पूछना था कि कैसा रहेगा अगर मैं चैनल का नाम चेंज कर लूँ, डीवी ब्लॉग से दिव्यांशु राय रख लूँ, या दिव्यांशु ब्लॉग, या फिर डीवी ब्लॉग ही रहने दूँ। तो बस यही बता दो कमेंट में कि डीवी ब्लॉग ठीक नाम है चैनल के लिए, या दिव्यांशु ब्लॉग, या नॉर्मल दिव्यांशु राय, यही पूछना था। तो मैंने पहली 5-6 वीडियो मैं फ्रंट कैमरे से बनाता था, क्योंकि बैक कैमरे से मैं दिखता ही ना कि बंदा ठीक आ रहा है, पर मैंने एक वीडियो बना के देखी और मेरी काफ़ी आदत हो गई है बैक कैमरे से, अभी मैं बना रहा हूँ तो एकदम मेरे को इतना पता कि परफेक्ट बन रहा है, और कैमरे में देख रहा हूँ मैं क्योंकि, तो बहुत अच्छी, और बैक कैमरे से क्वालिटी भी अच्छी आती है, फ्रंट कैमरे से तो पता नहीं बकवास ही होता है सब कुछ, तो बैक कैमरे से बनाने का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बाकी वो अलग बात है, फ़ोन से बना रहा हूँ तो उतनी क्वालिटी नहीं होगी, बट चलता है यार, स्टार्टिंग में सब फ़ोन से बनाते हैं, चैनल बड़ा तो कुछ कैमरा वैमरा भी ले लेंगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मेरे को बस यही पूछना था कि चैनल का नाम चेंज करूँ या नहीं, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बना के कोई पूछ लेता हूँ। अब ये वीडियो शायद छोटी होएगी, 3-4 मिनट की होगी मैक्स। बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा 22 के बाद, क्योंकि 22 को कुछ है मेरा काम वाम, तो 22 के बाद मैं डालूँगा, तो तब तक के लिए वेट करना, भाई तुम वेट क्या करोगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कि मैं चैनल का नाम चेंज करूँ या ना करूँ। ऑल्सो मेरे ना कॉन्फिडेंस थोड़ा ठीक हो रहा है कैमरे में बात कर करके, वो अलग बात है पब्लिक में मेरी अभी थोड़ी फटती है, लेकिन मैं अगर अकेला हूँ तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा है, और यही चीज़ मेरे को चाहिए थी। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि चैनल का नाम मैं चेंज करूँ, डीवी ब्लॉग ही रहने दूँ, या दिव्यांशु ब्लॉग, या दिव्यांशु राय रखूँ, और शेयर कर देना। अब मैं मिलता हूँ 22 को। बाय।